मस्तियाँ किरदार की हकीकत है हमारी, आप मिलो हमसे और ना हंसो तो हस्ती क्या है हमारी। आई एम देयर विद यू टुडे टू स्पीक ऑन लाइवली लाइफ। तो जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं, तो देयर आर टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, सबके पास आया होगा, लेकिन सेकंड लाइफ बहुत लोगों के पास आती है। मेरी ये सेकंड लाइफ, तो सेकंड लाइफ की जो दास्तां है मेरी, उससे मेरी मैं कहानी चालू करता हूँ। 9 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं जा रहा था, जाके वापस आ गया। दुआएं हैं, दोस्तों का साथ है, बचाने वाले आपके सामने हैं। तो बेसिकली जब वापस आया तो एक फीलिंग आई कि मेरे को इस घटना का जो हुई है मेरे साथ, मेरे फादर को, मेरे बचाने वालों को, मेरे भाई को, वाहेगुरु को, सब मिलने वालों को, मेरे परिवार को, आई गॉट अ स्मॉल डॉटर, तो मेरे को लगा भाई कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि सबको लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो एक नया आइडिया आया, किताब लिखूंगा। तो आई टोल्ड माई मदर कि मामा मैं बुक लिखूंगा। मम्मा बड़ी सीरियस है, उन्होंने स्कूल में पेपर करा नहीं, बुक कहाँ से लिखोगे। तो मैंने कहा यार वो जो स्कूल में किताब थी ना, वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो ज़बरदस्ती थी, ये मेरा जज्बात है। तो जज्बात जीतेगा या चॉइस जीतेगी ये वक्त बताएगा। तो मैंने मेरी पहली किताब लिखनी चालू करी। सिलसिला ऐसा चला कि सिलसिला चलता गया, किताब आ गई, किताब आ गई तो और हुक बढ़ गई, फिर एक और किताब आ गई, फिर दो और किताबें आ गई। अब सुनने में ऐसा आता है कि मैं शायर हूँ, हालांकि जब मैं शायरी करता हूँ तो खुद मैं सोचता हूँ कि ये शायरी कौन कर रहा है। जिद करो, कभी अच्छी भी करो आप, ताकि कोई आपकी जिद को भी माने। हमेशा अपनी मत चलाओ आप कि कोई आपकी कभी ना माने। तो अगर आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं और अगर आपका माइंड पॉजिटिव है और अगर आपके अंदर एक बच्चा जिंदा है, यहाँ क्या सब लोग बहुत बड़े हो गए पूरी दुनिया के अंदर, हंसने पे भी सर्जरी हो रखी है, कितना हंसना है, किसके सामने हंसना है, ज़्यादा नहीं हंसना है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। स्माइल में अगर आप सर्जरी करोगे तो लाइफ को कैसे जियोगे। यू शुड बी अ चाइल्ड, एक जियो बच्चे की तरह। बच्चा आपसे नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, कितने मिनट नाराज़ रहता है वो, 10 मिनट, 20 मिनट, कोई हमारे साथ ज़िद्दी होगा 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है वो, बिकॉज उसके अंदर बच्चा है। उसके बाद एक नई चीज़ आ जाती है, ही स्टार्ट्स विद अ न्यू थिंग। तो कीप द चाइल्ड अलाइव इन यू। अगर बच्चे को जिंदा नहीं रखोगे तो बड़े होके बहुत परेशान होगे। हम सुबह जाते हैं क्रिकेट खेलने सब दोस्त, वी ऑफन सी पीछे लोग चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से, तो मैं कई सालों से पूछ रहा हूँ क्यों चिल्लाते हैं यार, तो नहीं लाफिंग क्लिनिक है, लोग हंसाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हंसाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारे पास आ जाओ ऐसे यार, तो हंसा भी देंगे, हमारा काम भी हो जाएगा। कि बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली काम चाहिए। तो काम कैसा चाहिए, मस्ती का चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बंदे यहाँ बैठे हैं, लेडीज हैं, आप अपना चाइल्डहुड देखें, जब हम बच्चे थे, कोई कमरक का पेड़ था, कोई शहतूत का था, कोई लंगड़े आम का था। अब हमारे बच्चों से पूछते हैं, बोले ये क्या चीज़ें भाई, पता ही नहीं। अब एक को बोलो खाना खा ले, बोले मैं तो 1 बजे खाऊंगा, मैं आपको खाओगे मैं 10 बजे खाऊंगा। फैमिली सिस्टम बिल्कुल फिनिश हो चुके, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बेसिकली जब तक फैमिलीज के अंदर प्यार नहीं होगा, लाड नहीं होगा आपस के अंदर, किसी भी बात को लेके तकरार ही चाहिए, कितनी भी आप बात कर ले, बात नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे।
बेसिकली नाउ यू गो टू बिग सिटीज, नाउ दे आर सबसे बेस्ट बीमारी याद, डिप्रेशन हो गया जी। कैसे हो गया? उसने मेरे से बात नहीं करी, तो यार तू ही मत कर, परेशानी क्या है? तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे से बात कैसे नहीं करी यार? अरे भाई आपसे बात नहीं करी तो आदमी तो जब उसके पास भी जाता है ना तो खाली मांग नहीं जाता है, तो आप उनसे ही बड़े होगे। तो वी शुड जस्ट फॉरगेट, और हो सकता है उसमें हमारी भी कोई गलती हो। इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू आर करेक्ट, यू आर रॉन्ग एट मेनी टाइम्स। वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस चीज को समझना पड़ेगा ना। जब तक समझेंगे नहीं काम कैसे चलेगा। एक कोई डे आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि मम्मा को इम्प्रेस करना है, तो मैं बहुत बड़ा सा बुके बना के ले आया। तो मम्मा आप आज इट इज योर डे टुडे, तो ये क्या ले आया बेटा? मैंने जी बुके है खड़े होके बनवाया है, आज मम्मा का दिन है। तो मम्मा ने कहा जरूरत क्या थी, भाई आ गई। कि भाई थी नहीं घर में, उस दिन ही भाई आई थी। उस दिन से मैंने वो दिन बना बंद कर दिया, मैटर सॉल्व, कि भाई चाहिए तो भाई ले आओ। तो रास्ता निकालोगे तो रास्ता निकलेगा ना। अब उसको मैं ले लूंगा अपने ऊपर कि यार मम्मा ने कैसे कह दिया भाई आ गई, तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कौन करेगा? अब भाई ये तो वुमेन लिप का जमाना है, पहले घर में बनती थी 50-50 रोटियां, अब 5 बनाए तो 2.5 तू भी बना ले, भैया 2.5 हम बना लेंगे। तो उसका क्या कर सकते हो आप? तो बेसिकली चक्कर क्या है कि जो भी चीज है ना आज की तारीख में, एवरीथिंग इज सो कस्टमाइज्ड कि मैं ये करूंगा, मेरा ये काम है। यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, खुशी पैदा करनी पड़ेगी, आप किसी को खुशी देनी पड़ेगी। करो किसी को दिल से खुश आप, वो अपने आप खुश करेगा आपको। घर नहीं रहोगे ना उसके पास तो भी दुआ देगा आपको। इन चीजों को समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, बहुत परेशानी है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम। तो भाई वी हैव गॉट इन द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग थिंग्स। हमारे बड़े घर के कहते थे, वो कहते थे कोई भी चीज को अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी चीज आपको मिलेगी तो यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी लाइवली, वेरी लकी। अगर उम्मीद से ना उम्मीद ही कर लो तो उम्मीद आपसे दोस्ती करेगी, उम्मीदों से आप दुआ कर लो तो उम्मीद आपसे दूरी रहेगी। तो बेसिकली लाइफ इज, आपको लाइफ को एंजॉय करना है, मजे करने हैं। शादी इंडिया में बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, शादी हो रही है सब, तो मेरी भी शादी हुई, मैं 3 लड़कियां देखी, तीनों को हाँ कर दिया। तो मेरे को मेरे फादर ने कहा कि भाई यार तरू तू क्या कर रहा है, 3 देगी, तीनों को हाँ कर दिया। तो मेरे पापा मना करने का मन ही नहीं करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या डिसाइड कौन करेगा? शादी तेरे को करनी है तो मेरे साथ तीनों को रख लो। बोले यार तू समझता नहीं बात को, बच्चा है। तो बोले बच्चा हूं तभी तो जिंदा हूं, और शादी मैंने चलाई है 5 दिन, सब लोग दुखी रहे, मतलब मैं बहुत खुश हूं, दोबारा होनी नहीं है, तो अच्छे से करो ना भैया, क्या दिक्कत आ रही है? जिसको दिक्कत है मत है, और जो नहीं कर सकता नहीं करे, करिए एक से ही है लेकिन 3 से नहीं करिए। हमारे बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, मतलब आप रास्ता निकालोगे रास्ता निकलेगा, मिलेगी एक ही आपको। अब मैं किसी को मना कर देता तो कितना खराब इंप्रेशन जाता। तो बेसिकली क्या है, लाइफ को एंजॉय करने का सामर्थ्य आना चाहिए, और जो आपके साथ हैं, जो आपके अपने हैं, उनके साथ आपको बेबाक रहना चाहिए, अंदाज में बेबाकी हो, गैर भी आपके रहेंगे। खुद से छुपाओगे खुद को तो खुद आपसे कभी नहीं मिलोगे।
तो ये आप सारे यहाँ पे हो, तो मेरी तो खाली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चे को जिंदा करो और क्रिएट हैप्पीनेस। तो अच्छी चीजें करना बहुत अच्छा होता है जब तक अच्छे लोगों का साया आपके सिर पे होता है। अगर नहीं भी हो साया किसी का, तो खुद का साया रखना, खुद का साया खुदा से कम नहीं होता है। तो आजकल एक चलता है आपका ट्रेंड के लेन देन की दुनिया है, इसमें खाली एक चेंज करना चाहता हूं, देन लेन की दुनिया करा लो। जो देता है वो पाता है, जो लेता है वो खोता है। अ गिवर इज ऑलवेज द विनर एंड अ लर्नर इज ऑलवेज अ गुड टीचर। के बेसिकली लाइफ को इतनी ज्यादा परेशानी में वो ऐसा क्यों है। एक वो गाना आया था पुराना, हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। अब किसी को बच्चे को सुनाओ, उन्हें क्या सुना रहे हैं यार, ये कौन सा गाना है, गबलू बबलू लड्डू, ये कोई गाना है, रैप सुनेंगे हम तो। तो भाई रैप तो आपने रैप कर दिया बच्चों को। माय चाइल्ड इज लाइक दिस ओनली, ही लाइक्स टू प्ले दिस थिंग, ही विल नॉट डू दिस थिंग। अच्छा अच्छे वाले हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बात करेंगे, अरे यार हिंदी में बात कर ले भाई, भाई या तो हिंदी नहीं आती हो तो इंग्लिश में बात करें भाई। अगर आपको पता है सामने वाला ही बात कर सकता है, जैसे मैं भी कर सकता हूँ, बट द क्वेश्चन इज हर जगह क्यों करना है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपका भी मौसम गर्मी का है फिर मौसम सर्दी का आएगा, फिर बरसातें आ जाएंगी, तो 18वीं तो आप चेंज करते हो ना अपना। तो आपको अगर जो आपकी जिंदगी दी है ईश्वर ने, तो अगर मौसम बदल रहे हैं तो आपको मौसम के पहले बदलना पड़ेगा। विंटर चल रही है तो बेसिकली वी हैव टू चेंज बिफोर टाइम इन गेटिंग सम थिंग्स रेडी फॉर आवर हार्ट एंड वर्क फ्रॉम योर हार्ट। आप दिल से काम करोगे, मेरा दावा है आपको, अगर आप कोई हरा दे तो मेरा नाम बदल देना, कोई नहीं हरा सकता आपको। क्योंकि कारण क्या है, आप हार के भी राजी रहोगे। बिकॉज इफ यू डू समथिंग फ्रॉम हार्ट, कोशिश करी आपने और मंजिल ना मिली तो गमी किस काम की। कोई नहीं समझा आपकी बात और खफा हो गया तो मंजिल नहीं मिली तो आपकी खुशबू किस काम की। आप किसी भी चीज को प्रो डाटा वाइज एक्टिव नहीं कर सकते कि मैं ऐसा हूं तो वो ऐसा करेगा। यू हैव टू बी क्लियर प्रैक्टिकल। लास्टली मैं आपको अच्छा चीज बोलना चाहूंगा कि बेसिकली आजकल लाइफ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। यार मेरे को तो कुर्सी नहीं मिली, उसको कैसे मिल गई। तो भाई कुर्सी तो एक ही थी, दो थोड़ी बैठते उस। तो भाई कुर्सी की लड़ाई जो है ना, इसको ही बंद करो। लड़ाई तो दिल की रखो आप लोग, कि कोई दिल में बसा ले आपको, उसके नाम जिंदगी कर दो आपकी, कोई अकल के पास आए आपसे तो दूर आ जाओ उससे, नहीं तो खुशबू नहीं रहेगी किसी काम की। बेसिकली एक बुक मैंने पढ़ी थी, पढ़ता मैं कमी हूँ वैसे, और कई सारी चीज़ें हैं, मैं घर में पढ़ता हूँ तो बेसिकली मम्मा कहती हैं साइकोलॉजी सर्चिंग अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम व्हेन द कैट इज नॉट देयर। मैं ढूंढने क्यों है यार, जब कैट है ही नहीं तो ढूंढेंगे क्यों, हम आराम से घूमेंगे बाजार में। तो बेसिकली लाइफ इज कि आप किसी को हंसाओ और वो रूस ऐसे अपनी, उसका मन करे कि मैं और हंसूं। आप दूर जाओ तो बोले मैं कैसे मिलूं। कशिश करो रूह से, मोहब्बतें आपके नाम ही रहेंगी। वजहें सब जानते हैं, वजहें सब जानते हैं, वफाएं रखो, कलियां आपके नाम से ही खिलेंगी। बेसिकली लाइफ का जो आज बेसिक फंडामेंटल है, जो चेंज हम देखते हैं कि देयर इज अ वेरी बिग सी चेंज। अब डिप्रेशन क्लिनिक आई
अब आप गए डॉक्टर साहब के पास, तो कहते बहुत बढ़िया धंधा है, बंदा आया सारी बातें करता है। मैंने आप क्या करते हो? बोले सुनते रहते हैं, शाम को कॉफी घर भेज देते हैं। अरे मैंने यार ये अच्छा काम है, हमारे पास भेज दो। तो भाई आपको क्यों किसी के पास जाना है? अगर आप बीमार हो बिल्कुल जाओ, लेकिन ये चीजें डिप्रेशन मीन्स आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, आपके पास दोस्त अच्छे नहीं है। हमारे फादर कहते थे कि एक दोस्त अच्छा मिल जाए तो समझ लेना खुदा मिल गया, और एक से ज्यादा मिल जाए तो ये समझ लेना कि दुआओं ने काम कर दिया। तो बेसिकली फंडामेंटल यही है कि क्रिएट हैप्पीनेस, लिव इन अ गिविंग एटीट्यूड, और अपने आप आएगा आपके पास, कोई कहीं नहीं जाने वाला। बहुत लंबी दुनिया है लेकिन कितनी छोटी निकलती है। आप ट्रेन में बैठो, भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? मैं अरे दिल्ली से आ रहा हूँ। जी मैं कोटा से आ रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार वहाँ रहता है। अरे मैं उसका रिश्तेदार हूँ। दिल्ली कोटा में रिश्तेदारी बन जाती है कोटा की। दुनिया कितनी छोटी सी है और आप किससे बात नहीं करो, कम्युनिकेट नहीं करो, तो दुनिया कितनी बड़ी सी हो जाती है। तो कम्युनिकेशंस आर अ बिगेस्ट स्किल्स, यू शुड कम्युनिकेट। आप व्हाट्सएप को छोड़ो तो कम्युनिकेट विद एवरीबडी, बात करें, सब चीज़ें दूर होंगी। अरे इतना अच्छा साथ मिला आप सबका, तो आप सबके लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि साथ मिला है आप सबका, इसका असर कुछ इस कदर कायम हो, खुशियाँ मिले आप सबको रूह से, कहीं हमारा नाम भी उसमें शामिल हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।